सर क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी, अपने बारे में बताएं, कैसे आपने ये इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की? मैं कोटकपूरा पंजाब का निवासी हूँ और मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से। उसी के ब्रीफ पीरियड में मैंने एक इन्वेस्टमेंट बैंक में भी काम किया है। तभी मुझे इस करियर अपॉर्चुनिटी को चूज़ करने का एक ड्रीम आया और मैंने अपनी जर्नी जो थी वो 2020 में स्टार्ट की और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है सिविल सर्विसेज में। तो देखा गया, हमने सुना है भी आप लॉकडाउन में ही घर बैठे ही हाँ जी पढ़ाई की है। हाँ जी, 2020 में, क्योंकि मैं ग्रेजुएट भी उसी ईयर का हूँ और हमारी जो लास्ट सेमेस्टर था वो कट शॉर्ट हो गया था क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। और फिर मैंने स्टार्ट अपनी जर्नी जो थी वो घर पे बैठ के लॉकडाउन के पीरियड में ही स्टार्ट की, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू। तो प्रभात का सहयोग कैसे रहा? हमने देखा भी आपके पिताजी ने काफी मेहनत हाँ जी करके हाँ जी आपको पढ़ाया, हाँ जी तो क्या आप उनको क्या कहें? हाँ जी लाइफ तो चैलेंजिंग रही है हमेशा से ही, बट हमेशा एक फोकस था और गोल था कि अगर हम अच्छे से मेहनत करें, राइट एनर्जी को चैनलाइज करें, तो वी कुड मेक बिगिन करियर। और यही मेरा मोटिवेशन था आगे बढ़ने का। पिताजी क्या सहयोग कैसे हैं? पिताजी का पूरा सहयोग था, घर के सारे जो डिसीजंस हैं, और क्योंकि मैं एक डिफरेंट फील्ड के अंदर अपने आप को फोकस कर चुका था, तो एक मेल मेंबर का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना बहुत बड़ी बात थी और वो मेरे फादर ने बखूबी निभाया है। साथ ही में मेरे सिस्टर ने, मेरी मदर ने और मेरे आसपास के निवासियों ने भी मेरा पूरा सहयोग किया। कौन से सिलेक्शन में आपने ये चूज किया है? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस इंडियन फॉरेन सर्विस है और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है सिविल सर्विसेज में। क्यों चूज किया? फॉरेन सर्विस इसलिए चूज़ किया है क्योंकि एक नई मतलब एक यूनिक सर्विस है ये। इसमें आप अपने देश को बाहर कंट्री में, अब्रॉड में रिप्रेजेंट करते हो। ये एक अनोखी सर्विस है क्योंकि इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में काम करने का आपको मौका मिलता है, बहुत ही डाइवर्स टॉपिक्स में। प्लस ये आपको दूसरी कंट्रीज के कल्चर जानने का मौका मिलता है और फॉरेन डिग्निटरीज से मिलने का मौका मिलता है, अपनी कंट्री को ग्लोबल फोरम पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। कैसे आपकी लाइफ में अभी तक जो अपनी पढ़ाई पढ़ी है, माता पिता का कैसे सहयोग रहा? घर में कैसा आपका? घर में हमेशा से माहौल पॉजिटिव ही रहा है। उन्होंने मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ चाहे आप एकेडमिक में चूज करना चाहो या कोई और करिकुलर में अपना करियर चूज करना चाहो, उनका हमेशा से सपोर्ट था। बस ये था कि आप अपनी मेहनत में सच्चे रहो, आप आउटकम्स पे ध्यान दो और अपने जर्नी को ट्रूली फॉलो करो और वो आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। हमने आपसे के पिताजी से बात की, वो आपके परिवार में सभी ग्रेजुएट हैं, हाँ पढ़े जी लिखे हैं, तो क्या इसी का एडवांटेज है? हाँ, इसका भी एक एडवांटेज था क्योंकि हमारी फैमिली में एक ऐसा ही माहौल है, क्योंकि कोई बिजनेस फैमिली नहीं है जिसका कोई एक लेगेसी बिजनेस हो। सब या तो किसी सर्विस के थ्रू अपने आप को, अपने लाइफ को उन्होंने अपलिफ्ट किया, या फिर अभी वो कंटिन्यूसली एक डेली वेज वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। तो क्योंकि कमिंग फ्रॉम अनप्रिविलेज बैकग्राउंड, तो लाइफ में आप सिर्फ मेहनत से ही आगे बढ़ सकते हो, और यही हमेशा से ही सभी फैमिली मेम्बर्स का जो था मेन मंत्रा रहा था। नई जनरेशन को क्या मैसेज देंगे? नई जनरेशन को तो यही मैसेज है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका करियर पाथ, आप बस उसमें सच्चे मन से लगे रहें और फोकस ऑन योर गोल एंड ड्रीम बिग।